अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करेंगे पीओएस सिस्टम में आप बुटीक शॉप को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं सिस्टम की तरफ, लॉगिन करते हैं सिस्टम को। सबसे पहले हम चलते हैं इन्वेंट्री के अंदर, इन्वेंट्री में प्रोडक्ट डिटेल के अंदर। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम डायनेमिकली सर्च कर सकते हैं तमाम कॉलम के अंदर। यहाँ से हम जैसे मैं प्राइस से सर्च करना चाहूँ प्राइस से भी सर्च कर सकता हूँ, इसी तरह से मैं यहाँ पर आइटम बारकोड से या नेम से सर्च करना चाहूँ तो उस तरह से भी हम सर्च कर सकते हैं बआसानी। इसी तरह से अगर आपको इसको ग्रुप व्यू करके देखना है तो मैं अगर इसको ग्रुप करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको करके यहाँ पर ट्रैक कर दूँगा तो ये देखें ग्रुप व्यू हो जाएगा। इसी तरह से इसको वापस रख देता हूँ। अगर आपने अपनी प्राइस को अपडेट करना है, कोई प्राइस में आपके चेंजिंग आई है प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज वाइज, तो आप यहाँ से प्राइस का अपडेट का ऑप्शन दिया हुआ हमने। जैसे आप यहाँ पर कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर जैसे मैं करना चाहूँ, जैसे कि मैंने कैटेगरी ली, अब मैंने इसको परसेंटेज वाइज करना चाहूँ या वैल्यू अमाउंट में देना चाहूँ, दोनों तरह से हम यहाँ पर इसकी प्राइस को अपडेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ अभी, जैसे मेरी सेल प्राइस 2500 आ रही किसी की, तो मैं अपने यहाँ पे परसेंटेज बता रहा हूँ भाई, 5% इंक्रीज़ हुई है, तो मैंने 5% किया और मैं अपडेट कर दूँगा। ये देखिए मेरे प्राइस यहाँ पे सारी अपडेट हो गई है, इसको सेव करूँगा तो प्राइस मेरे पास रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा इस कैटेगरी के अंदर। इसी तरह से आपने कोई प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करनी है तो आप यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के अंदर आप जाके आप देखेंगे, यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट मेरे पास ऑलरेडी आ रही हैं तो कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है, आप कैटेगरी की सिलेक्ट करेंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे आप नाम देंगे प्रोडक्ट का, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देंगे आप, आइटम बारकोड में सिस्टम जनरेटेड भी दे सकते हैं आप और अपना मैनुअल भी असाइन कर सकते हैं। मैंने सिस्टम जनरेटेड लिया, परचेज प्राइस बताई मैंने और मैंने यहाँ पर सेल प्राइस दे दी। जैसे मैं सेव का बटन दबाऊँ रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन में मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से सेल कर रहे होंगे प्रोडक्ट को। ये हमारी सेल स्क्रीन है। सेल स्क्रीन के अंदर देखें आपके पास इमेज व्यू आ रहा है। इमेज व्यू में आपके पास तीन कैटेगरी टैब नज़र आ रहे हैं, ब्राइडल, कैजुअल एंड एफ्रिका। इसी तरह आपके पास ग्रुप व्यू है, इसी तरह लिस्ट व्यू है आपके पास कि आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं तमाम टैब के अंदर। हमने यहाँ से एक कस्टमर लिया, कस्टमर के देखिए मैंने क्रेडिट कस्टमर था, उसकी लिमिट भी आ रही है, उसका प्रीवियस बैलेंस भी आ रहा है कि इसको हम कहते लास्ट टाइम कितनी परचेजिंग कर चुका है। अब जैसे दोबारा मेरे पास आए तो मैंने इनको ये इन्होंने मांगा मुझसे, इस पर मैंने इनको 5% डिस्काउंट अवेल करवाया और मैंने फास्ट कैश कर दिया। इसी तरह से मैं दोबारा से कस्टमर लेते हैं, ठीक है, कस्टमर लिया मैंने, अब इन्होंने मुझसे कुर्ती मांगी है, इसी तरह ब्राइडल सूट में इन्होंने ये लिया मुझसे और मैंने इनको उन्होंने कहा कि मुझे क्या क्रेडिट पे चाहिए, तो मैंने इनको यहाँ पे कस्टमर लेजर में पोस्ट कर दूंगा यहाँ से जाके। इस तरह ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगी और सिस्टम अब आपका बिल निकल आएगा, क्योंकि मेरे पास अभी प्रिंट अटैच ही है तो इस वजह से बिल यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। इस तरह मैं आपको लेके चलता हूँ बैक ऑफिस रिपोर्ट में। रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ कि डेली सेल्स समरी रिपोर्ट आप किस तरह से ले सकते हैं। ये हमारी डेली सेल्स समरी रिपोर्ट क्या है, जिसमें आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और समरी में आज डेट फिल्टर देता हूँ, जैसे ही जनरेट रिपोर्ट करूँगा मैं तो ये आज की हमारी रिपोर्ट दे देगा कि आज के हमारे पास क्या क्या पूरे दिन में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, जिसकी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, पर अपना कंपनी नेम, एड्रेस, फिर टाइम मेंशन हो जाएगा, डेट टाइम और क्या क्या चीज़ें गई हैं उसकी समरी यहाँ पे आपको दे दी है कि कितने आपके पास सेल हुई है, डिस्काउंट आपने कितना अवेल करवाया और नीचे आपके पास कस्टमर लेजर में कितना गया है, कैश सेल कितनी हुई है। इसी तरह मैं इसी रिपोर्ट का अगर डिटेल में देखना चाहूँ कि भाई मेरे पास कौन कौन सा आइटम कितने सेल हुए हैं तो मैं यहाँ पे आके देखूँगा डिटेल पे चेक लगा के। जैसे रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो देखें यार कैटेगरी के अंदर अब सब भी बता रहे हैं कि कौन कौन से सूट कितनी क्वांटिटी में सेल हुए हैं और नीचे उसके तमाम रिपोर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।